ये रही तेरी उजरत, तेरा 1,00,000 रुपया, इससे तेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। खुदा ने मुझे बीवी और बच्ची की सूरत में ऐसे रिश्ते दिए हैं जिसके बगैर भी मेरी परेशानियां खत्म हो जाती। तुम्हारा पसीना खुश्क हुए तो बहुत वक्त हो गया। काश तुम्हारी उजरत में तुम्हें उसी वक्त दे देता। जानते हो साबिर हुसैन, जिस रोज तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे बताया कि तुमने अपनी बेटी के दाखिले की फीस दे दी है, तुम्हारे घर में परेशानी है। मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ बोला मैंने। उसी रोज मैंने अपने बेटे को एक महंगा मोटरसाइकिल लेकर दिया। एक्सीडेंट हो गया यार, 2 दिन कोमा में रहा और आज सुबह हमें छोड़ के चल। मैं जानता हूं तुझे उजरत ना देकर मैंने तो बेटे की बहुत खरीदी। अल्लाह आपको सब्र दे साहब और आपका गम कम करे, लेकिन खुदा गवाह है मैंने कभी आपको बददुआ नहीं दी। इसलिए कि तू अपने नाम की तरह ही साबिर है। तूने सब्र किया, बेइज्जती करवाई, मार खाई, अपने घर में फाके काटे, बददुआ नहीं दी। मेरे पास तो 1,00,000 रुपए हैं, उसकी जान नहीं बचा सकता। और मैं जानता हूं ये क्यों हुआ। मैंने उसका लहू खरीदा। हौसला करें साहब, जो रब की मर्जी। रब की मर्जी तो नहीं मानी यार, उसकी मर्जी मान लेता तो क्यों करता तेरे साथ ऐसा। सबर, मैं एक दरखास्त कर सकता हूं। हुक्म करें साहब, तू अपनी परेशानियां मुझे दे दे। मैं समझा नहीं क्या मतलब है आप। तेरी बेटी की तालीम का खर्चा, उसकी शादी, तेरी जितनी जिम्मेदारी है सब मुझे दे दे। शायद इसी तरह मुझे कुछ सुकून मिल सके यार। मेरी जो उजरत बनती थी वो तो आपने दे दी, यही मेरा हक बनता था। अब अल्लाह मुझे ताकत दे और मेरी बेटी को हिम्मत दे, हम अपनी परेशानियां खुद दूर कर लेंगे। नहीं साबिर, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं यार। साहब आप बड़े आदमी है, शर्मिंदा ना करें।
खुदा का वास्ता आपको। खुदा के वास्ते ही तो मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये दुख ऐसे नहीं गुजरेगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये मुझे लेकर ही जाएगा। मैं इसलिए काम नहीं करना चाहता हूँ साबिर हुसैन के मैं पैसा कमाऊं, सिर्फ इसलिए करना चाहता हूँ कि अगर तुझ जैसा कोई शख्स मेरे साथ होगा